इसी बीच जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। हाई क्वालिटी कोयला चोरी करने का बड़ा खुलासा। विदेशों से मंगाकर गुजरात पोर्ट से अन्य राज्यों जैसे कि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली भेजे जाते हैं। और आपको बता दें कि राजस्थान पुलिस ने 13 टीमें भेजी थी। कोयले को बीच रास्ते में बदलकर खराब कोयला डालने वाली गैंग का खुलासा हुआ है। सील लगाने की मशीन समेत अन्य उपकरण भी जब्त किए गए हैं। और 7 जिलों में 13 टीमों ने लगभग दर्जन स्थानों पर क्राइम ब्रांच राजस्थान पुलिस ने दबिश दी है। गुजरात के पोर्ट्स पर विदेशों से अच्छी क्वालिटी का कोयला महंगा यहां पर आता है और जिसका एनर्जी लेवल भी ज्यादा होता है वो कोयला, और उसको फिर इंडिया में अलग अलग राज्यों में जैसे कि राजस्थान, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा और यूपी में भेजा जाता है। लेकिन संगठित तरीके से डिपो के लोग ट्रक चालकों के साथ अलग अलग डिपोज में करीब 20% अच्छी क्वालिटी का कोयला निकाल लेते हैं और उसमें लोकल कोयला जो कि बहुत आम क्वालिटी का होता है उसको मिक्स कर दिया जाता है और आगे बेचते हैं। और जब राजस्थान पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 7 जिलों में अलग अलग डिपोज में यहां पर दृष्टि की तो संगठित तरीके से ये जो पूरा घटनाक्रम है वो होता हुआ पाया गया। उधर शुरुआत में सामने आया है कि इस संगठित गैंग में ज्यादातर लोग जो है वो गुजरात से हैं। मौके से फर्जी सीले, इसके साथ ही हल्की क्वालिटी का डीजल, फर्जी धर्म कांटे मिले हैं और गैंग जो है वो सीलबंद ट्रकों को डिपो में डालकर खोलती और इसके बाद 20% यहां से जो कोयला है वो चोरी कर लिया जाता और उसके बाद वापस से सील कर दिया जाता और इन करोड़ों रुपए में बेची जाती है ये जो कोयला है। और हमारे साथ एडीजी क्राइम दिमेश एमएन फोन लाइन पर कनेक्ट हो गए हैं। सर बहुत स्वागत है आपका जी राजस्थान में। सर बड़ा खुलासा हुआ है कोयले को लेकर, बताया जा रहा है कि अच्छी क्वालिटी का कोयला चोरी करके और उन्हें जो है कम क्वालिटी वाले जो कोयले थे उससे बदल दिए जाते थे। सर क्या जानकारी है सर पूरे गैंग को लेकर? हमारे पास कुछ दिन पहले कंप्लेनेंट्स आए थे ट्रक ओनर से, लोग ट्रांसपोर्ट कंपनी वाले, उनका ये कहना था कि गांधीधाम गुजरात में अमेरिका और रशिया और बाहर से हाई क्वालिटी का कोल इम्पोर्ट होता है जी। इम्पोर्ट होने के बाद करीब करीब 500 गाड़ियां राजस्थान से गुजरते हैं, ये हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और जम्मू कश्मीर तक ये माल जाता है, वहां की जो भी इंडस्ट्रीज है वहाँ यूज होता है। तो इनका ये कह रहा था कि साहब वाकई का हमारे ड्राइवर्स मिल जाते हैं और भी बड़े गैंग्स बने हुए और राजस्थान में काफी जगह अवैध बाड़े बना रखे, वहाँ अवैध बाड़े में ये डाइवर्ट हो जाते हैं गाड़ी, वहाँ करीब करीब 20% की कोयला, अच्छे हाई क्वालिटी कोयला निकाल देते हैं, निकाल के चोरी करके उसमें जो पुअर क्वालिटी की और बिल्कुल कचरा टाइप है उसको भर देते हैं ताकि वेट बराबर रहे, उसके बाद इसको वापस डिस्पैच कर देते हैं। तो उनका ये कह रहा था कि हर गाड़ी में करीब 10 लाख का माल रहता है, उसमें 2 लाख की माल का चोरी हो जाता है। तो 500 गाड़ी में मतलब अगर हम माने तो करीब करीब 10 करोड़ की चोरी रोज हो रहा था उनके हिसाब से जी। तो उसके बाद लेकिन प्रॉब्लम दूसरा ये, जब माल वहाँ जाता है इंडस्ट्री में जी। वहाँ क्योंकि इसकी जो 20% कचरा भरा हुआ है और लो क्वालिटी का भरा हुआ है तो उनका कैलोरिफिक वैल्यू होता है वो पूरा चेंज हो जाता है जी। इवन 80% अच्छा माल है वो भी पूरा खराब हो जाता, एक तरह से इनका पूरा ट्रक से माल ही खराब हो रहा था जी। तो इसीलिए इन लोगों ने हमें अप्रोच किया था, तो हमें राहुल प्रकाश हमारे एक एजी साहब और एक नरोत्तम वर्मा एडिशनल एसपी है, इनके निर्देशन में पूरा रखी करवाया, रखी करवा के आज करीब 6 जिलों में 13 जगह रेड करवाई हमने। तो इन रेड में काफी 5-6 जगह को ट्रक के साथ चेंज करता हुआ मिल गया हमें, और दूसरी जगह हमने जो चेक किया वहाँ जो कोई पुराना माल मिल गया और जेसीबी वगैरह मिल गया, प्लस जो सील है जो ट्रक के अंदर जो सील है जो पुराना सील तोड़ के नए सील लगाते वो पूरा नए सील के बंडल मिल गए और पुराने सील के भी मिल गए और काफी लोग मिल गए और पूछताछ जारी है, भी केसेस दर्ज करेंगे, दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन। सर आपने बताया कि 7 जिलों में यहाँ पर दबिश दी गई है, कौन कौन से जिले बताए जा रहे हैं और क्या कुछ लोगों को भी यहाँ पर डिटेन किया गया है जिनसे आप लोग पूछताछ कर रहे हैं? एक तो जिला है आप जालोर, पाली, बाड़मेर, जोधपुर सिटी, जोधपुर रूरल और बीकानेर जी। और इनको जो अभी जो एक तो बाड़े में जो लोग थे जो हमें इस चोरी को अंजाम दे रहे थे, प्लस जो ट्रक के जो ड्राइवर थे कला के उनको डिटेन किया हुआ है, इनके पूछताछ के बाद और बड़े खुलासे आएंगे और इनको अरेस्ट करके हम पुलिस कस्टडी में लेके क्राइम ब्रांच की टीम पूछताछ करेंगे। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए।
और हमारे साथ डीआईजी क्राइम राहुल प्रकाश भी जुड़ गए हैं, उनसे भी इस पूरे मामले को लेकर जानकारी हम लेने की कोशिश करेंगे। सर बहुत स्वागत है आपका जी राजस्थान में। सर बड़ा खुलासा हुआ है कोयले को लेकर, सर क्या जानकारी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर मिल पा रही है, क्या कुछ निकलकर अभी तक सामने आया सर? सर आप तक आवाज पहुंच पा रही है? चलिए तो एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये बड़ा खुलासा आपको बता दें कि कोयले को लेकर हुआ है। जिस तरीके से प्रदेश में पिछले काफी समय से कोयले की कमी चल रही थी, और अब जब महंगे दामों पर विदेशों से कोयला मंगाया जाता है, अच्छी क्वालिटी का ये कोयला होता है, तो ऐसे में अब देश में आकर और इस तरीके से ये गफलतबाजी यहां पर की जा रही थी, एक बड़ा गैंग यहां पर काम कर रहा था, उसको लेकर पुलिस को जो है यहां पर इनपुट मिला था, शिकायत मिली थी, और उसके आधार पर पुलिस ने ये बड़ा खुलासा किया है। पुलिस की तरफ से बड़ी कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि 7 जिलों में 13 टीमें पुलिस की हैं जो कि काम कर रही है, इस वक्त दबिश दी गई है और पूछताछ भी यहां पर की जा रही है, कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। बताया दें आपको कि विदेशों से महंगे दामों पर ये जो कोयले हैं अच्छी क्वालिटी के ये मंगाए जाते हैं, और यहां पर गुजरात पोर्ट से अन्य राज्यों में इन कोयलों को यहां पर डिस्पैच किया जाता है। जैसे कि राजस्थान पंजाब की बात की जाए या फिर हरियाणा दिल्ली, ये कोयले जो है अच्छी क्वालिटी के भेजे जाते हैं, और इसी दौरान यहां से जब कोयले भेजे जाते हैं तो वहां पर वही जो गैंग जो कि सक्रिय रहते हैं वो उन सील पैक कोयलों में से 20% के करीब जो कोयले हैं अच्छी क्वालिटी के वो निकाल लेते हैं, और फिर उनमें जो आम और जो सस्ते दामों के जो कोयले हैं जिनकी क्वालिटी खराब होती है उन्हें उनमें मिक्स कर दिया जाता है। अब उसकी वजह से जो पूरी क्वालिटी है वो यहां पर खराब हो जाती है, उनकी एनर्जी पर यहां पर प्रभाव पड़ता नजर आता है। तो ये जो काला कारोबार जो है वो कब से यहां पर चल रहा था वो भी पुलिस की तरफ से जानकारी जुटाई जा रही है, पूछताछ लगातार की जा रही है कि आखिर कब से ये काला कारोबार यहां पर किया जा रहा था। आगे बढ़ रहे हैं जयपुर से।